फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल फाइल को कैसे लिखते हैं और कैसे बनाते हैं। इसकी लैब मैनुअल आती है, आपको मार्केट से ख़रीदना होता है फिजिकल एजुकेशन का लैब मैनुअल, जो नियर अबाउट 200 या 300 के आसपास का मिलता है। ये जो लैब मैनुअल है इसमें MRP 325 है, हालांकि इससे कम रेट में ही ये अवेलेबल है। तो आप इसको सबसे पहले ख़रीद लेंगे, उसके बाद देखिए इसके टॉप पेज पे आपको अपना नाम लिखना होता है। सर्टिफिकेट वाला पेज है, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, क्लास, डिवीज़न, रोल नंबर, और फिर यहाँ पे सिग्नेचर कराना होता है सर्टिफिकेट पे। स्कूल की स्टैम्प लगती है और डेट। उसके बाद आप सेकेंड पेज पर भी देखिए, फिर पर्सनल मेमोरेंडम आपको देना पड़ता है इसमें। जिसकी भी फाइल होती है वो पर्सनल पेज में अपना नाम वगैरह लिखते हैं, क्लास सेक्शन। उसके बाद हम इसमें लिखना शुरू करते हैं। हालांकि इसमें भी देखिए सिलेबस में आपके क्या क्या है वो दिया रहता है, लेकिन ये सिलेबस जो है वो पुराना है थोड़ा सा, ये इस बार के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ऑफर टेस्ट इस बार नहीं है, इस बार दूसरा। अब देखिए हम आपके लेटेस्ट सिलेबस की बात करते हैं। ये देखिए 2022-23 का सिलेबस है और इसमें प्रैक्टिकल का सिलेबस देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल के सिलेबस में देखिए क्या दिया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, साई खेलो इंडिया टेस्ट, और प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योगिक प्रैक्टिस रिकॉर्ड फाइल वाइबा, ये सारी चीज़ें हैं। और अब रिकॉर्ड फाइल में आपको क्या क्या लिखना है इसका भी देखिए। प्रैक्टिकल वन आपको फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, प्रैक्टिकल टू में आपको लिखना है प्रोसीजर फॉर आसन्स बेनिफिट्स कंट्राइंडिकेशन फॉर एनी टू आसन्स फॉर ईच लाइफस्टाइल डिसीज। प्रैक्टिकल थ्री में आपको लिखना है एनी वन IOA रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ चॉइस। अब ये लिस्ट जो गिवन है इसी में से आपको किसी एक गेम पर, मेजर गेम पे आपको बनाना होता है अपना। तो ये सिलेबस था, अब हम फाइल को देख लेते हैं। एक आइडियल फाइल हमारे पास, ये इंडेक्स पेज है, इसमें अभी इंडेक्स भरा नहीं गया है, आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम चलते हैं, क्योंकि इस बार का हमारा सिलेबस कुछ अलग टाइप का हुआ है, इसलिए इसमें से नहीं लिखना है, वो अलग से हमने लिखवाया हुआ है। देखिए इस पहले साई खेलो इंडिया टेस्ट, चूँकि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है तो हम हमारे सिलेबस में जो है वही टेस्ट लिखेंगे। और ये देखिए फिर डायग्राम के साथ आपको लिखना होता है, ये डायग्राम है और ये फर्स्ट पेज इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है। उसके बाद एम्स, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके और इसको लिख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए अगर आपका क्लास 12th है इस बार। सेकंड पेज देखिए, सेकंड पेज में इन्होंने लिखा है एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स के लिए, क्लास 1 to 3 के लिए बॉडी मास इंडेक्स, और इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं वो लिखा है। और इस तरह से एक आइडियल फाइल आपको बनानी है, प्रोसीजर लिखना है, ये हमारा सेकंड पेज। देखिए इसके डायग्राम भी बनाने होते हैं, जिससे हमारी फाइल काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, हमारा लैब मैनुअल अट्रैक्टिव होगा, जिससे एग्जामिनर पे इम्प्रेशन हमारा पॉजिटिव रहता है, अच्छा इम्प्रेशन होता है। और ये प्रोसीजर फार्मूला, प्लेट टैपिंग टेस्ट, ये साई खेलो इंडिया टेस्ट का ही एक पार्ट है। एलो डिस्क, ये डिस्क से रिलेटेड टेस्ट होता है, इस तरह का कुछ होता है। इसका जल्दी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं।
फ्लेमिंग बैलेंस टेस्ट, सेकंड है फ्लेमिंग बैलेंस टेस्ट, पर्पस इक्विपमेंट्स, ये है एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स के लिए, पुशअप्स फॉर बॉयज, ये पूरा प्रोसीजर लिखा गया है इसमें। उसके बाद है मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स का हम लोग यूज करते हैं इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए। इस टेस्ट का भी मैं वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही डालूंगा। ये रीच सिट एंड रीच टेस्ट है, इसके लिए एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है और इसका वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। फ़िलहाल ये सिर्फ फाइल लिखने के लिए आपको मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सिक्स हंड्रेड मीटर रन और वॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपके सिलेबस का भी पार्ट है, आपको अपने सिलेबस में भी इसको पढ़ना है, आपने पढ़ा ही होगा। यूनिफाइड बास्केटबॉल फॉर दिव्यांग, ये देखिए दिव्यांग के लिए है ये मेजर गेम जो लिखा गया है। हालांकि ये आप अपने चॉइस का लिख सकते हैं, ये दिव्यांगों के लिए हो सकता है, ये आपके चॉइस पे है कि आप चाहें तो लिखें, चाहें तो अगर लिख देते हैं तो बढ़िया है, बेहतर है। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड एंड स्पोर्ट्स, उसके बाद देखिए अब पार्ट टू में आपको योगा लिखना है। योगा में आसन के बारे में लिखना है, सबसे पहले मेडिटेटिव आसन, और बिल्कुल डायग्राम के साथ आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए ये वॉलीबॉल, जिस भी बच्चे या बच्ची का ये फाइल है उसका मेजर गेम उसने चॉइस किया है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल के लिए देखिए उसमें सब कुछ आपको जानना भी पड़ेगा क्योंकि वाइवा भी इसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें नेट की हाइट से लेके कोर्ट का मेजरमेंट सब कुछ आपको ध्यान रखना होता है, सब कुछ याद रखना होता है क्योंकि ये आपकी चॉइस का गेम होता है। और बिल्कुल आप उस फील्ड को भी यहाँ पे डायग्राम में बनाएंगे। इस गेम के बेसिक रूल्स,
ये प्लेयर्स की सेटिंग यहाँ पे दिखाई गई है, कैसे प्लेयर खड़े होते हैं, प्लेयर्स पोजीशन, टेक्निक्स, यहाँ टेक्निक्स बताई गई हैं कि किस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है इसमें। और उस टेक्निक्स पोजीशन का डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया है। और ये इस तरह से एक आइडियल फाइल है हमारी। यहाँ तक जब आप लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह के वीडियोस फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और मैथ्स से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।